ठाणे पुलिस ने गणेश उत्सव और ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी और साथ ही दोनों फेस्टिवल में डीजे ना बजाने की अपील की। कानून का पालन ना करने पर पुलिस उन पर उचित कार्रवाई करेगी। साथ ही विवादित फोटो, आपत्तिजनक नारे और गाने ना बजाने की नसीहत दी। एसीपी उत्तम कोलेकर ने क्या कहा, सुनिए। गणेश उत्सव और ईद मिलन जो त्यौहार आ रहे हैं, इस त्यौहार के बारे में ठाणे पुलिस की तरफ से मैं एसीपी उत्तम को लेकर कलवा डिवीजन यह अपील करना चाहता हूँ कि दोनों त्यौहार जो है लोगों ने बड़ी खुशी से मनाने चाहिए, ताकि ये त्यौहार मनाते समय कानूनी पाबंदी जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें डीजे चलाना मना है। डीजे चलाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो कि नॉइज पोल्यूशन एक्ट के अंदर कार्रवाई होती है, उसमें सख्त सजा है और उसमें डीजे वगैरह जब्त हो जाता है वो है। फिर बाद में जो आप जुलूस निकालते हैं, जो प्रोसेशन निकलेगा, उसमें जो अपने राष्ट्रपुरुषों के जो फोटो लगाते हैं उनका ध्यान रखा जाए कि ताकि उनका उनका कोई विटंबना ना हो जाए और कोई ऐसे जो वादग्रस्त है, जो कंट्रोवर्शियल फोटोज है वो ना लगाए। दोनों जो प्रोसेशन निकलेगी, मिलन की हो या गणेशोत्सव की हो, कोई गाने ऐसे नहीं बजाए कि ताकि दूसरे धर्म पर कोई उसको उसका भी नाराज हो जाए, उसके बारे में कुछ गलत बोला जाए। तो जो घोषणा देंगे वो भी देखते समय नारे लगाते हैं, तो उसमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जिस वजह के लिए हम लोग जो प्रोसेशन निकल रहे हैं वही वजह से हम लोग खुशी से मनाना चाहिए, ताकि ये प्रोसेशन हम किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं निकालते। अपना धर्म का जो प्रोसेशन है, उत्सव है, वो मनाने के लिए होता है, इसलिए अपने धर्म के बारे में जो भी कहना है अच्छे से कहें, दूसरे के धर्म के बारे में ना कहें, ताकि कोई कंट्रोवर्शियल स्पीच होके, कोई कंट्रोवर्शियल ये कोई बात होके कोई यहाँ का जो सांप्रदायिक वातावरण है वो ना बिगड़ जाए, यही अपील है। और ये ऐसे मौके पर हम दोनों भाइयों को, हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों को, दोनों को अपने अपने त्यौहारों के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं।